नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M35 5G versus Vivo Y200 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M35 में 6.39 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M35 में 3.09 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M35 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M35 में 0.36 इंच जबकि Y200 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M35 में 222 ग्राम जबकि Y200 Pro 5G में 172 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M35 में Super AMOLED जबकि Y200 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy M35 में 19:5:9 जबकि Y200 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M35 में 6.6 इंचेस जबकि Y200 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M35 में 1080x2340px FHD+ और Y200 Pro 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M35 में 83.64% जबकि Y200 Pro 5G में 90.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M35 में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200 Pro 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M35 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y200 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M35 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y200 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M35 में Mali-G68MP5 जबकि Y200 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M35 में Samsung Exynos 1380 और Y200 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M35 में 6GB जबकि Y200 Pro 5G में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M35 में अप टू 1TB जबकि Y200 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M35 में 6000mAh जबकि Y200 Pro 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M35 में 3 कलर्स जबकि Y200 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M35 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Y200 Pro 5G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M35 5G में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y200 Pro 5G की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M35 आगे है, मेन कैमरा में Y200 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा Realme 12 Plus 5G है, तीसरा OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।